बाइक रही होगी नहीं गणतंत्र दिवस की रात है और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में लखनपुर पुलिस की टीम द्वारा यहां पर नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान एक ऑयल टैंकर को शक के बिना पर यहां पर जांच के लिए रोका गया और जांच के दौरान आप देख सकते हैं कितनी मशक्कत जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के इन बहादुर जवानों को यहाँ पर उठानी पड़ी। और यहाँ पर जब शक के आधार पर जब इस ऑयल टैंकर की जांच की गई तो इसमें से गोवंश की तस्करी का भंडाफोड़ यहां पर किया गया है। थाना प्रभारी लखनपुर SHO सुनील शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा नाका लगाया हुआ था और नाके से ये टैंकर जब यहां से भागा और पुलिस टीम ने इसको चेज कर जब रोका तो इसमें से 12 बेजुबानों को पुलिस ने तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाया है और एक तस्कर को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर तस्करी के तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं लेकिन आज एक और नया तरीका तस्करी का यहाँ पर इन तस्करों ने अपनाया था जिसका भंडाफोड़ जो है लखनपुर पुलिस ने यहाँ पर किया है। कितनी मशक्कत इन बहादुर जवानों को यहाँ पर करनी पड़ी है। लखनपुर पुलिस के इन जवानों को हमारी तरफ से भी सल्यूट है कि कितनी मशक्कत की है इन लोगों ने, क्योंकि जिस तरह से इस ऑयल टैंकर को पूरी तरह से बंद किया गया था, कैविटी बनाई गई थी और किस तरह से ब्लेड से लेकर कटर तक इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और इन बेजुबानों को यहाँ पर तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाया गया है। किस तरह से शातिर अपराधी हैं, किस तरह से शातिर तस्कर हैं जो तस्करी के तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। आज हमने आपको लाइव बिल्कुल यहाँ पर पूरा ऑपरेशन दिखाया है कि किस प्रकार से जब पुलिस ने गाड़ी को रोका है और जब जांच की गई है तो किस तरह से यहाँ पर इन बेजुबानों को मुक्त करवाया गया है। कटर के सहारे जो है इस गाड़ी को जो पीछे का जो दरवाज़ा है इसको यहाँ पर काटा गया और बड़े ही नए तरीके से कह सकते हैं कि खुफिया तरीके से इस तस्करी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये तस्कर थे। लेकिन तस्करों से पुलिस के हौसले यहाँ पर पूरी तरह से बुलंद हैं और तस्करी की एक बड़ी वारदात को लखनपुर पुलिस की टीम ने यहाँ पर विफल किया है। आपको बता दें कि SSP कठुआ शिवदीप सिंह जम्वाल के नेतृत्व में पुलिस टीम काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है, चाहे वो ड्रग्स की तस्करी हो चाहे इस तरह से बेजुबानों की तस्करी हो, पुलिस टीम जो है वो समय समय पर तस्करी की इन वारदातों को विफल कर रही है। और आज की जो तस्करी की वारदात थी किस तरह से बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से इस ऑयल टैंकर में 12 बेजुबानों को कश्मीर घाटी की ओर लेके जाया जा रहा था लेकिन लखनपुर पुलिस ने इन 12 बेजुबानों को तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाया है। एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन आज जिस तरह से इस
लखनपुर पुलिस की टीम के इन बहादुर जवानों ने तस्करी की वारदात को विफल किया है और इन बेजुबानों को तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाया है। कहीं ना कहीं इनाम के हकदार हैं ये जवान, क्योंकि पूरा दिन और पूरी रात इस तरह से ये लोग ड्यूटी करते हैं और किस तरह से मुस्तैदी दिखाते हैं, और उसी मुस्तैदी का नतीजा है कि कोई आइडिया भी नहीं लगा सकता था, कोई शक भी नहीं कर सकता था कि इस तरह से ऑयल टैंकर में इस तरह से बेजुबानों की तस्करी की जा सकती है। पूरी तरह से सीढ़ी लगाकर बाकायदा तौर पर पूरी बेल्डिंग कर इस गाड़ी को बनाया गया था तस्करी के लिए, और बड़ी तस्करी की वारदात को यहाँ पर पुलिस के इन जवानों ने विफल किया है और तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, और 12 बेजुबान जो हैं इन तस्करों के चंगुल से अब मुक्त हैं और पुलिस द्वारा बनाई गई जो विशेष गौशाला है, कीड़ियाँ गंडयाल गोदाम है, वहाँ पर पहुँचा दिया है। लखनपुर से सरबजीत सिंह, जेके मीडिया के लिए।